700 साल बना है ग्रहों का विलक्षण संयोग। एक साथ पांच राजयोग बनने से कुछ राशियों पर होगी पैसे की बारिश, धन प्रतिष्ठा और मान सम्मान में होगी वृद्धि, संवर जाएगी कुछ राशियों की किस्मत। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र ग्रह नक्षत्रों की स्टडी का एक विज्ञान है। समय समय पर ग्रह नक्षत्रों के कई अद्भुत और विलक्षण संयोग बनते हैं जो हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आते हैं और आर्थिक समृद्धि भी लेकर आते हैं। कई शुभ योगों के निर्माण में कई बार कई कई दशक लग जाते हैं और यानी कई कई साल कई शुभ योगों के बनने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है और ऐसा ही अब भी हो रहा है। और लगभग 700 साल के बाद ज्योतिष में एक साथ पांच राजयोग का संयोग बनने जा रहा है। ये जो योग है इसे केदार योग कहा जाता है, मालव्य योग कहा जाता है, चतुष्चक्र योग कहा जाता है, महाभाग्य योग कहा जाता है और हंस राजयोग कहा जाता है। इन योगों से सभी राशियां और देश दुनिया प्रभावित होगी, लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं जिनको इस समय धन लाभ होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी और एक तरह से जीवन में पैसों की बरसात होगी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मार्च 2023 का जो महीना ये चल रहा है ये ग्रह नक्षत्रों की दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है। इसी महीने 700 साल बाद पंच राजयोग का निर्माण होने जा रहा है जिससे कई राशियों की किस्मत का बंद ताला खुलता जाएगा और एक तरह से आमदनी के नए नए सोर्सेज जो हैं वो विकसित होने से पैसों की आवाजाही बढ़ेगी, धन की बरसात होगी। लेकिन ऐसा सभी राशियों के साथ नहीं होगा, सिर्फ कुछ ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिन्हें पंच राजयोग का पूरा लाभ मिलेगा और आने वाले समय में किस्मत संवर जाएगी। आज की इस पोस्ट में मैं अपने दर्शकों को यही बताने जा रहा हूं कि 700 साल बाद बन रहे इस अद्भुत संयोग से किन राशियों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। इसलिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने मेरे इस पेज को, मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया है वैसे जो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको पोस्ट अच्छी लगे तो इसे शेयर भी कीजिएगा। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 700 साल बाद बन रहे पंच राजयोग का जिन राशियों को खूब फायदा मिलेगा उनमें पहली भाग्यशाली राशि बुध की मिथुन राशि है। मिथुन राशि के जातकों को पंच राजयोगों का परिणाम जो है वो एक साथ मिलेगा। इससे बेरोजगारों को जो रोजगार की तलाश में है उनकी तलाश पूरी होगी, धन की प्राप्ति होगी और जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें कार्यस्थल में अपने दफ्तर में नई जिम्मेदारियां प्राप्त होंगी, कर्मचारियों को प्रमोशन मिलने की प्रबल संभावना बनेगी, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, पारिवारिक जीवन भी पहले से बेहतर रहेगा। दूसरी भाग्यशाली राशि चंद्रमा की कर्क राशि है। कर्क राशि के लोगों के लिए हंस और मालव्य राजयोग का बनना बहुत उम्दा साबित होने वाला है। इससे आपका भाग्य चमकेगा, कैरियर में इच्छा अनुसार आपको परिणाम हासिल होंगे, बेरोजगारों को नई नौकरी मिलेगी, विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है, काम या प्रोफेशन के सिलसिले में यात्रा करने की संभावना बन रही है, व्यापारी वर्ग के लिए समय अच्छा रहेगा। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या निवेश के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें भी धन लाभ हो सकता है, समाज में रुतबा बढ़ेगा, भाग्य में वृद्धि होगी, कैरियर में सफलता मिलेगी, मनचाहे ऑफर मिलेंगे, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, कारोबार के लिए यात्रा के योग बनेंगे जो शुभ साबित होंगे। तीसरी भाग्यशाली राशि भी बुध की उच्च कन्या राशि है। कन्या राशि के जातकों के लिए पांच राजयोग का बनना अनुकूल साबित होगा। आपकी गोचर कुंडली के सप्तम भाव में मालव्य राजयोग बनने जा रहा है। इससे जीवन साथी का आपको अपने लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा, जीवन साथी की तरक्की होगी, कोई बिजनेस डील फाइनल हो सकती है, साझेदारी में बिजनेस करने के लिए समय अच्छा रहने वाला है, अविवाहित लोगों के रिश्ते की बात चल सकती है और आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो डे बाई डे बेहतर होती जाएगी। चौथी भाग्यशाली राशि शुक्र की तुला राशि है। तुला राशि वालों के लिए ये जो पांच राजयोग का बनना बहुत ही अच्छा है। आपको जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी की तरक्की होगी, साझेदारी में काम करने का मौका मिलेगा और आपकी मैरिड लाइफ पहले से बेहतर होगी, लव लाइफ पहले से बेहतर होगी और किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का योग भी बनेगा, किसी महापुरुष का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं
ऊंचे लेवल पे बनेंगे। पांचवी भाग्यशाली राशि जो है वो कुंभ राशि है। कुंभ राशि के लोगों के लिए हंस और मालव्य राजयोग बहुत शुभ फलदायी साबित हो सकता है। आपके कॉन्फिडेंस में, आपके साहस में, आपके पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। बिजनेस में अच्छी सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर आपके काम की, आपके जो एनर्जी लेवल है और आपकी जो टैलेंट है उसकी तारीफ होगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। लेकिन आपके ऊपर क्योंकि शनि की साढ़े सती चल रही है, इसलिए थोड़ा हेल्थ के प्रति आपको सचेत रहना होगा। छठी भाग्यशाली राशि देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि है। मीन राशि के लोगों के लिए हंस और मालव्य राजयोग बनने से शुभ फल हासिल होंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बिजनेस में अच्छी सफलता मिलेगी। अचानक से आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। और जो नौकरी करने वाले लोग हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, उनके लिए ये राजयोग किसी वरदान से कम नहीं है। आपका रुतबा बढ़ेगा, आपको अच्छा पैकेज मिल सकता है, या आप अच्छे पैकेज पर किसी दूसरी बड़ी कंपनी में स्विच कर सकते हैं। जो आपके काम काफ़ी देर से अटके हुए थे उनमें तेजी आएगी और सेहत में भी पहले से ज़्यादा सुधार होगा। तो ये थी भाग्यशाली राशियाँ, जिनको 700 साल के बाद बनने जा रहे विलक्षण ये जो राजयोग है, ये पांच राजयोग जो है इसका फायदा होगा। तो मेरे पेज से जुड़े रहिए, मेरे पेज को फॉलो करते रहिए। मैं गुरमीत बेदी।